कमोडिटी आउटलुक में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। और देश का एग्री कमोडिटी एक्सपोर्ट लगातार गिरता जा रहा है। साल 2014 में देश एग्री एक्सपोर्ट 43 अरब डॉलर से ज्यादा था, जो पिछले साल घटकर 39 अरब के करीब रह गया है। सितंबर महीने की बात करें तो 30 बड़ी कमोडिटीज में से 22 में एक्सपोर्ट में नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिली है। आखिर एग्री एक्सपोर्ट्स में गिरावट क्यों है, इस साल एक्सपोर्ट्स को लेकर कैसा आउटलुक रहेगा, इसी पर आज करेंगे हम फोकस। साथ ही केंद्र सरकार राज्यों से एपीएमसी को खत्म करके ईनाम को बढ़ावा देने के लिए कह रही है, इसका एग्रीकल्चर सेक्टर पर कैसा असर होगा, इस पर आज करेंगे चर्चा। कमोडिटी आउटलुक में हमारे साथ जुड़े हैं पूर्व कृषि सचिव और आयकर के फेलो सिराज हुसैन जी, महाराष्ट्र सीएसीपी के चेयरमैन पाशा पटेल और अबांस ग्रुप के अभिषेक बंसल। आप सभी का स्वागत है और बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सिराज जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे। एक्सपोर्ट्स में हमने यहां पर गिरावट आते हुए देखी है, सेप्टेम्बर के नंबर्स में भी यहां पर गिरावट ही देखने को मिली है। इस ट्रेंड को आप कैसे देखते हैं और क्या वजह है इस तरह के नंबर्स की? देखिए, कुछ तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स हैं जो इस साल हमको पिछले 2-3 साल के मुकाबले में कम दिखाई दे रहे हैं। उससे मुझे बहुत ज्यादा परेशानी नहीं हो रही है, लेकिन मुझे ये लगता है कि अगले 10 साल के पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो हमारे कुछ राज्यों में, उत्तर भारत के राज्यों में, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश वगैरह में जो नॉन बासमती राइस है, जिसके एक्सपोर्ट से करीब करीब $3 बिलियन हमने 18-19 में कमाए हैं, वो कम हो जाएगा, वो कम करना ही पड़ेगा। और जबकि जीएसटी का कॉम्पेंसेशन सेंटर से कम हो जाएगा तो मुझे लगता है कि राज्य सरकारें मजबूर होंगी इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी को कम करने के लिए या विड्रॉ करने के लिए। तो हमारे कॉमर्स मिनिस्ट्री के अधिकारियों को एपेडा में और कृषि मंत्रालय में अभी से इसकी तैयारी करनी चाहिए कि जो ये $3 बिलियन का नॉन बासमती का एक्सपोर्ट है, जब ये कम होगा, किसी ना किसी हद तक कम होगा, हो सकता है $1 बिलियन कम हो सकता है इससे ज्यादा कम हो जाए, तो हम उसकी भरपाई कैसे करेंगे। दूसरा जो एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड देखने में आ रहा है कि हमारा जो बफलो मीट का एक्सपोर्ट है, जो बढ़ के करीब करीब $4.3 बिलियन था 13-14 में, वो घट गया और $3.6 बिलियन हो गया लास्ट ईयर। और अब भी काफी दिक्कतें हैं लोगों को ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में, तो शॉर्ट टर्म में ये भी देखना चाहिए। और एनिमल सेंसस से भी पता चलता है कि हमारे पास काफी इसका स्कोप है। एनिमल रेयरिंग की स्कीम शुरू करी थी नेबार्ड ने, मेल काफ एनिमल रेयरिंग की, वो स्कीम टेक ऑफ नहीं हुई, उसकी मुख्तलिफ वजह है। तो ये चीजें आइडेंटिफाई करके हमें कोशिश करनी चाहिए कि कौन कौन से एग्रीकल्चरल कमोडिटीज के आइटम है जिसमें बढ़ावा हो सकता है और उन पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। तो क्लियरली यहाँ पर प्रॉब्लम्स तो है लेकिन सॉल्यूशंस भी सामने हैं और सरकार ऑफ कोर्स इन रिफॉर्म्स को देख रही है, ये कोशिशें भी यहाँ पर कर रही है। पाशा पटेल जी, आपको भी चर्चा में शामिल करना चाहेंगे, आप क्या कहेंगे, दिक्कतें कहाँ है यहाँ पर, क्योंकि हमने एमएसपी यहाँ पर लगातार बढ़ते हुए देखा है और वो भी एक रीजन बाजार मानता है कि शायद इस वजह से भी हम यहाँ पर थोड़े से अनकॉम्पिटेटिव हो जाते हैं। दूसरी बात ये भी है कि सिर्फ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स नहीं, यहाँ पर प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन को भी बहुत ध्यान देना चाहिए। आपकी नजर इन सब मुद्दों पे कहां पर है? देखिए, एमएसपी का जहां तक सवाल है, एमएसपी दुनिया को दिख रही है बढ़ रही है, लेकिन एमएसपी के जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, क्या किसानों क्या लागत मूल्य उनको मिल रहा है, कि यह हमको देखना जरूरी है। 50-60 साल में इस क्षेत्र में दुर्लक्षित किया गया, इसको सही जो किसानों को देना चाहिए था वो नहीं दिया गया, और अब सरकार जाग गई है और एमएसपी के जो आंकड़े बढ़ रहे हैं उसे सबको लग रहा है कि एमएसपी के आंकड़े बढ़ रहे हैं। लेकिन मेरा ये दावा है कि एमएसपी के आंकड़े बढ़ रहे, ये सही है, लेकिन सही मायने में जो खर्चे को काउंट करके किसानों को मूल्य देना चाहिए, वो अभी भी मेरे नजर से वो इंसाफ नहीं हो रहा, ऐसे मुझे लगता है जी। तो अब और दूसरी बात और ऐसी है कि कुछ चीजें ऐसी है कि जैसे कि हम अभी वेजिटेबल ऑयल के बहुत बड़े इंपोर्टर हैं, लेकिन अब एक मुझे जो दूसरी एक बात मेरे जो समझ में आ रही है, सारी दुनिया में ऑयल सीड जो है जेनेटिक मॉडिफाइड है, और भारत में जेनेटिक मॉडिफाइड सीड को आने के लिए परमिशन नहीं है।
लेकिन बड़े दुर्भाग्य से एक बात बताना मैं समझ रहा हूँ, वो ये है कि हमारे पास जेनेटिक सीड आने को परमिशन तो नहीं है, लेकिन जेनेटिक सीड से बना हुआ वेजिटेबल ऑयल आने के लिए परमिशन है। तो बात ऐसी है कि हमारे पास हेक्टर में 9 क्विंटल का एवरेज है और दुनिया में 35-30 क्विंटल का ये प्रोडक्शन है, तो 9 में और 30 में इतना बड़ा फर्क है, तो हमको अब कुछ बातें बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा। जैसा कि अब 150 लाख मेट्रिक टन हम अभी खाने का तेल ला रहे हैं, लेकिन 2030 में 3,90,000 मेट्रिक टन खाने का तेल लाना पड़ेगा, ऐसे कुछ वैज्ञानिकों का कहना है। अगर ये चीज अगर देखी जाए तो हमको कृषि में बहुत अलग अलग नजरे से सोचना जरूरी है। मेरे सामने इस साल महाराष्ट्र की खेती मैंने जो देखी है, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे जो दिखा है ना, सोइंग पीरियड में बारिश कम थी और हार्वेस्टिंग के समय बारिश ज्यादा थी, ये क्लाइमेट चेंज का परिणाम है। हमारे पास 27 नक्षत्रों में बारिश आती थी, अब सिर्फ 2 नक्षत्रों में बारिश आ रही है। कब बारिश ज्यादा आएगी, कब बारिश कम आएगी, कितनी आएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं रह गई है। हमारी खेती मौसम का तो ऑफ कोर्स यहाँ पर बहुत ही उल्टा असर हमने पड़ते हुए देखा ही है, लेकिन जैसे जो आपने पॉइंट प्रूव किया कि हमने यहाँ पर इंपोर्ट्स बढ़ते हुए देखे हैं और एक्सपोर्ट्स में लगातार गिरावट देखने को मिली है, ये ऑफ कोर्स यहाँ पर चिंता का विषय रहा है। और ऑफ कोर्स इवन एज यहाँ पर सरकार के काफी रिफॉर्म्स और पॉलिसीज हैं, हमने उनका एग्जैक्ट ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन बहुत सही तरीके से होता हुआ नहीं देखा है। अभिषेक, आपसे भी यहाँ पर चर्चा करना चाहेंगे, काफी सारे मुद्दे हैं यहाँ पर एग्रीकल्चर की जब हम यहाँ पर बात करते हैं, लेकिन कहाँ पर एक सोल्यूशन यहाँ पर इमीडिएटली ढूंढने की जरूरत है, क्योंकि मौसम की मार हमने यहाँ पर बुआई पे पड़ते हुए देखी है, आवक पे भी आते हुए देखी है, रबी की बुआई थोड़ी सी यहाँ पर डिले होती हुई फिलहाल यहाँ पर नजर आई है। अब यहाँ पर आप क्या सोल्यूशन देखना चाहते हैं? जैसा दोनों एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि हमारे, आपको भी पता है कि एक्सपोर्ट्स कम हुए हैं 2013 के मुकाबले, आज हम देखें तो एक्सपोर्ट्स कम हैं। इसका एक मेजर कारण है कि हमारा रुपया काफ़ी मजबूत रहा है एंड गवर्नमेंट ने एक स्टैंड लिया है दैट वी वांट अ स्ट्रॉन्गर रुपी, और उसकी वजह से एक्सपोर्ट्स पर थोड़ा दबाव तो पड़ता ही है। बट मुझे लगता है अब ये दबाव थोड़ा ईज ऑफ होगा बिकॉज रुपी थोड़ा डेप्रिसिएशन की तरफ जाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, तो ये एक एक पॉजिटिव साइन हमें आता हुआ दिख रहा है कि रुपी थोड़ा डेप्रिसिएशन हो रहा है, तो एक्सपोर्टर्स के लिए ये एक खुशी की लहर जैसा हो सकता है। दूसरा, गवर्नमेंट ने एक एंटी इन्फ्लेशनरी स्टैंड लिया हुआ है, दैट इन्फ्लेशन को हमने बहुत कंट्रोल करके रखा हुआ है, तो इससे प्राइसेस पे दबाव आता है, फूड प्राइसेस कंट्रोल्ड हैं और फार्मर्स को अपने पैदावार का ज्यादा मूल्य नहीं मिल पाता है, उसकी वजह से भी एक्सपोर्ट्स पे दबाव आता है। तीसरा, एक अंतर्राष्ट्रीय मंदी भी आज हम लोग एक अनुभव कर रहे हैं, एक रिसेशनरी फेज है ग्लोबली, तो भारत के जो अंदरूनी कारण हैं उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय भी रिसेशनरी कारणों की वजह से भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की डिमांड में थोड़ा स्लगिशनेस आया है एंड इसकी वजह से भी आपके एक्सपोर्ट्स कम हुए हैं। दूसरा, जो बासमती में हमने देखा है कि यूरोपियन यूनियन ने अपने जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको काफी स्ट्रिक्ट कर दिया था, इसकी वजह से बासमती का एक्सपोर्ट इंडिया का टू यूरोपियन यूनियन कम हो गया था काफी हद तक। बट अब चूंकि हम देख रहे हैं कि ब्रेग्जिट हो सकता है तो यूके अब बाहर आ जाएगा यूरोपियन यूनियन से और यूके एक कंप्लीटली न्यू पॉलिसी अडॉप्ट कर सकता है, और उस केस में हम अपने एक्सपोर्टर्स को अगेन हम लोग एक्सपोर्ट्स भरते हुए देख सकते हैं एंड यूके कुड आल्सो गिव सम स्पेशल स्टेटस टू इंडिया जो हमें यूरोपियन यूनियन से नहीं मिल पा रहा था इतना, तो यहां पे एक हमें अगेन एक पॉजिटिव इंडिकेशन दिख रहा है। बट ओवरऑल यस, एक्सपोर्ट्स कम हुए हैं, एक चिंताजनक विषय है, बट मुझे लगता है गोइंग फॉरवर्ड एक्सपोर्ट्स थोड़े बढ़ने चाहिए। ऑफ कोर्स वहां पर एक नजर रखनी होगी, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज जो पाशा पटेल जी भी कह रहे थे इनिशियली कि यहाँ पर मौसम की मार हमने अच्छी खासी पड़ते हुए देखी है, इरेटिक मॉनसून रहा है, 13 स्टेट्स में हमने यहाँ पर फ्लड्स आते हुए देखे हैं जिसकी वजह से काफी ज्यादा फसलों को यहाँ पर नुकसान की भी आशंका है। सिराज जी, आप क्या कहेंगे इस बारे में? ऑफकोर्स पिछले कई सालों में सही सीजन में हमने बेहतर फसल आते हुए देखी है, रबी के ऊपर लोगों को काफी स्ट्रांग होप्स हैं कि ये फसल बेहतर होगी क्योंकि सॉइल मॉइस्चर अच्छा है,
इवन ये बुराई में थोड़ी सी देरी होती है वो पिकअप यहाँ पर देखने को मिल सकता है, लेकिन क्या एज ऑफ नाउ जो सिचुएशन है कि फसल कॉटन सोयाबीन मेज की यहाँ पर थोड़ा सा उसको इम्पैक्ट हुआ होगा, आप कैसे देखते हैं फसल को और दूसरा प्राइस इम्पैक्ट यहाँ पर क्या रह सकता है? देखिए ये तो बहुत शॉर्ट टर्म का डिस्कशन अब होने लगा। इस रबी की फसल में हमें अच्छे आसार लगते हैं फिलहाल, क्योंकि हमारे सॉइल में मॉइस्चर अच्छा है, हमारे रिजर्वॉयर्स फुल हैं और सारी चीजें अच्छी हैं, फर्टिलाइजर की अवेलेबिलिटी में कोई कमी नहीं है। तो अगर मौसम ठीक रहता है, अगर मार्च में जाके टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता है, कोई हेल स्टॉर्म नहीं होता है, कोई ऐसी नेचुरल कैलामिटी नहीं होती है, तो हमें रबी का रिकॉर्ड प्रोडक्शन मिलना चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूं कि एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट का जहां तक सवाल है तो उसके लिए तो हमें लॉन्ग रन में देखना चाहिए। एक बहुत कामयाब देखिए चीज में हमने कामयाबी हासिल की कि हमने अंगूरों का एक्सपोर्ट बढ़ाया और ये सब महाराष्ट्र से शुरू हुआ और किसानों के लिए इतना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन महाग्रेप ने सेटअप किया है कि हम ट्रेसेबिलिटी है कि किस किसान के खेत से अंगूर का एक कंसाइनमेंट आ रहा है, अगर टेस्को में कोई बायर उसको खरीद रहा है लंदन में तो ट्रेसेबिलिटी है। तो इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया, उसका एक एनआरसी ग्रेप का बनाया नेशनल रिसर्च सेंटर पुणे में, गवर्नमेंट ने उसमें इन्वेस्ट किया, पैक हाउसेज में इन्वेस्ट किया, फार्मर्स की ट्रेनिंग हुई। तो इस तरह की अगर हमें फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को एक्सपोर्ट करना है, ऑर्गेनिक के सर्टिफिकेशन के इश्यूज हैं, तो उन सब पे काम करना होगा। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि नॉन बासमती राइस के एक्सपोर्ट में कमी आएगी, इसी तरीके से नॉन टैरिफ बैरियर और चीजों में भी आ सकते हैं, तो हमें अपनी बास्केट को डाइवर्सिफाई करना होगा और उसमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, वो इन्वेस्टमेंट सरकार को और ज्यादा बढ़ाना चाहिए। अंगूर ऑफ कोर्स, ग्रेप्स की बात हम पहले भी यहां पर करते रहे हैं, वो काफी एक सक्सेस स्टोरी यहां पर है, लेकिन जैसे सिराज जी ने कहा कि बास्केट यहां पर और बढ़ानी होगी और रिफॉर्म्स लेके आने होंगे और ग्राउंड पे यहां पर काम करना होगा और इन्वेस्टमेंट अभी भी यहां पर थोड़ा सा मुद्दा है। इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन जब लौटेंगे तो हम मंडियों की भी यहां पर बात करेंगे। जिस तरह का फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से पुश आया है कि ईनाम को यहां पर बढ़ावा देना होगा, वो कितना यहां पर कारगर साबित हो सकता है, इस पर करेंगे चर्चा। कमोडिटी आउटलुक में आपका स्वागत है और अब बात यहां पर करेंगे ईनाम की, जहां पर वित्त मंत्री ने इस हफ्ते में बात की है कि वो स्टेट से बात कर रही हैं और एपीएमसी को डिसमेंटल करना चाहेंगी और ईनाम को यहां पर एक ज्यादा पुश देना चाहेंगे। एज ऑफ नाउ 585 मंडीज यहां पर ऑलरेडी ईनाम के साथ लिंक्ड है देश भर में, लेकिन हमने अच्छा खासा पुश यहां पर महाराष्ट्र से आते हुए देखा है, जहां पर माना जा रहा है कि 65 और मंडियां यहां पर ईनाम से जुड़ने के लिए कतार में है। पाशा पटेल जी, आपसे बात करना चाहेंगे इनाम के बारे में, काफी अच्छा खासा पुश हमने यहां पर देखा है महाराष्ट्र में, स्पेशली जो नंबर्स हैं वो काफी हद तक सपोर्टिव नजर आते हैं। नहीं, ई नाम से तो पूरे दुनिया, पूरे देश का बाजार एक क्लिक पे आएगा, ये सही है, लेकिन ये जो डिसमेंटल की बात चल रही है मार्केट कमेटियों की, इसके बारे में गंभीरता से सोचना है। जैसा कि एक सवाल का जवाब अब तक नहीं मिला है कि अभी अंगूर की बात करें या और कोई माल की बात करें, तो किसानों के पास से व्यापारी माल तो लेके जाता है, लेकिन पैसे वो देगा इसकी गारंटी नहीं है, वो बाजार के बाहर अगर बात हो गई तो इस विषय में कुछ लोगों की बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो ये ऑनलाइन मार्केट में ये कैसा हल होगा, ये थोड़ा अभी क्लियर नहीं हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ऑनलाइन मार्केट ई नाम मजबूत होने से पहले या मार्केट कमेटियां डिसमेंटल करने से पहले इन मार्केटियों की जरूरत क्यों पड़ी थी मार्केट कमेटी की, ये तो पहले अपने को सोचना पड़ेगा। जब किसानों को लूटा जा रहा था, व्यापारी पैसे डुबा रहे थे, तो कहीं ना कहीं एक जगह ऐसी होनी चाहिए जहां किसान अपना माल लाके बेचेगा और उसके पैसे देने की जिम्मेदारी उस कमेटी की रहेगी, मार्केट कमेटी की। इसीलिए ये मार्केट कमेटियां बनाई गई थी। देश में अभी भी कुछ ऐसे स्टेट है जहां पे मार्केट कमेटी ही नहीं है, तो वहां पे किसानों को तो रास्ते पे माल बेच दिया जाता है, वहां पे किसानों को लूटा जाता है। तो इसलिए ये विषय को जरा गंभीरता से सेंसिटिवली देखना जरूरी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ ये ऑनलाइन करने से सारे मसले इसमें के हल नहीं होंगे। हाँ,
एक बात जरूर है कि जो मार्केट कमिटियों का स्ट्रक्चर है और इसकी कार्यप्रणाली है, इसमें अगर चेंजेस करना है तो हम हमारे पास स्कोप है, उसको हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन पूरा डिसमेंटल करना ये मुझे कुछ जच नहीं रहा है मेरे कार्यकर्ता को। जी जी सिराज जी, आप क्या कहेंगे? ऑफ कोर्स ये ग्राउंड फीडबैक है कि, और हमने सुना भी है कि इसके अगेंस्ट थोड़े प्रोटेस्ट भी आए हैं कि टोटली डिसमेंटल नहीं करना चाहिए, एक ऑन ग्राउंड मंडी यहाँ पर होनी ही चाहिए जिसके थ्रू किसान यहाँ पर सामान बेच सके। लेकिन जिस तरह की वित्त मंत्री की कॉन्वर्सेशन है और जैसे हमने कहा कि ज्यादा ज्यादा स्टेट्स यहाँ पर जुड़ना चाहेंगी, आपको क्या लगता है एज ऑफ नाउ आप इसे कैसे रेट करेंगे ऑन अ रिपोर्ट कार्ड, और आगे जाकर यहाँ पर किस दिशा में काम होना चाहिए? देखिए, हमको ये लगता है कि वित्त मंत्री जी को शायद ठीक से ब्रीफ नहीं किया गया, क्योंकि सारी पूरे देश के एपीएमसी को खत्म कर देना ये तो किसी की भी रिकमेंडेशन नहीं है, दलवाई कमेटी की भी रिकमेंडेशन नहीं है, और भी इससे पहले जो कमेटियां भारत सरकार ने बनाई थी, शांता कुमार कमेटी, हमने देखा कि बिहार में नीतीश कुमार सरकार ने अपने पहले ही टर्म में इसको खत्म कर दिया था, तो आज तक बिहार में कोई मार्केटिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। कटिहार एरिया में इतना अच्छा मक्का का प्रोडक्शन होता है, वहां से रेक दर रेक दूसरे राज्यों में जाते हैं लेकिन किसानों को बहुत कम दाम मिलते हैं, तो ये मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत सोच समझ के इस बारे में बातचीत की गई है। हाँ, ये बात अलग है कि eNAM एक बहुत अच्छा प्रयास हम लोगों ने शुरू किया था, भारत सरकार की अच्छी कोशिश है, और अगर सचमुच इस दिशा में काम किया जाए तो उसमें किसानों को बेहतर प्राइस मिल सकता है। लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है, दरवाई साहब के व्यूज इसमें कुछ मुझसे डिफरेंट है, जहां तक मुझे जानकारी है अभी तक फील्ड में कुछ बहुत ठीक से eNAM ऑपरेट नहीं हुआ है, और जो यानी कि हरियाणा की अगर हम बात करें तो जो प्रोक्योरमेंट एमएसपी पे हुआ है उसको भी eNAM में दिखाया गया, तो जबकि eNAM का मकसद ये नहीं है, उसमें तो हमारा जो ऑक्शन प्रोसेस है मंडियों में उसमें ट्रांसपेरेंसी लाना है, एक मंडी से दूसरी मंडी तक कोई ऐसी व्यवस्था हो कि रिमोटली भी खरीद सके ट्रेडर, तो उसमें अभी काफी हम अर्ली स्टेजेस में है, उसमें हमें काम करने की जरूरत है। मुझे नहीं लगता कि इसको बहुत सीरियसली लिया जाना चाहिए कि मंडियों का एपीएमसी खत्म कर दिया जाएगा। गुड पॉइंट इज वेल टेकन, और बहुत जल्दी ऐसा कहना, और काफी हद तक जैसे आपने कहा कि इंटर मंडी इंटर स्टेट जब तक वो कारोबार ठीक से स्मूथली नहीं होता तब तक एक चीज छोड़ के दूसरे के ऊपर टोटली यहाँ पर कारोबार नहीं किया जा सकता। लेकिन वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जब लौटेंगे तो एग्रीकल्चर कमोडिटीज पर एक और नजर डालेंगे। मंडियां तो ऑफकोर्स यहां पर चल रही हैं, eNAM की हमने बात भी की, लेकिन काफी हद तक जो कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंजेस हैं उनकी भी ये कोशिश रही है कि स्पॉट एंड फ्यूचर्स मार्केट को कहीं किसी तरह से यहां पर लिंकेजेस मिल जाए। फ्यूचर्स एक्सचेंजेस ने ये भी कोशिश करी है कि जो प्रोक्योरमेंट सरकार करती है उसमें भी शायद किसी तरह से उनका प्लेटफॉर्म यहां पर यूज किया जाए। अभिषेक, आप कैसे कहेंगे, क्योंकि ये स्पॉट फ्यूचर मार्केट की जो लिंकेजेस हैं इसकी बात भी यहां पर काफी सालों से चल रही है, अब ऑफकोर्स नए एक्सचेंजेस यहां पर आए हैं, नई बातचीत फिर से यहां पर रेगुलेटर और सरकार के साथ है, लेकिन ये भी कितना फिजिबल है? जी बिल्कुल, यू नो एनसीडीएक्स ने स्पॉट एक्सचेंज बहुत पहले से खोल रखा है, मतलब मच बिफोर eNAM केम इनटू एग्जिस्टेंस। जैसे आपने eNAM की बात चलाई कि अभी पूरे भारत में 2477 मंडियां हैं और eNAM में केवल 585 ही उसके अंतर्गत आई हुई हैं, तो पता नहीं कितना टाइम और लगेगा, बट eNAM ऑब्वियसली एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, बट हमें यह देखना पड़ेगा कि हम डुप्लीकेशन तो नहीं करते जा रहे हैं एक ही समस्या को सॉल्व करने के लिए, कि हम eNAM भी बना रहे हैं और हमारे पास ऑलरेडी एक इंस्टीट्यूशन संस्था है NCDEX के रूप में जिसके पास ऑलरेडी स्पॉट एक्सचेंज है, जिसके पास ऑलरेडी एक डेवलप्ड फ्यूचर एक्सचेंज भी है, और अगर हम इसी को ही फोकस करके इस इधर ही इनको लिंकेजेस को और बढ़ावा दें, वेयरहाउसिंग को और मजबूत करें, एक्सचेंजेस के मार्जिनिंग सिस्टम को और पुख्ता करें, ताकि जैसे जो कैस्टर सीड का जो कांड हुआ आज से एक महीने पहले वो हमें ना देखना पड़े, बाजार का कॉन्फिडेंस और बढ़ाएं, अगर इसी पर फोकस करें तो आई थिंक सो सरकार को बेहतरीन रिजल्ट्स मिल सकते हैं रादर देन एंडिंग अप डूइंग डुप्लीकेशन ऑफ द वर्क। सिराज जी, आपको आपका क्या कहना है, जहां तक ये फ्यूचर एक्सचेंजेस की बात है, इनको कैसे इंटीग्रेट या इनका कैसे स्पॉट के साथ या ओवरऑल एग्रीकल्चर सिनेरियो में है, आप इनकी कैसी भूमिका देखते हैं? नहीं, ये एक बहुत अहम भूमिका निभा सकते हैं और इसमें कई बार सरकार से डिस्कशंस भी हुए हैं। मेरा पर्सनल व्यू ये है कि इस
का एक्सपेरिमेंट नेफेड को इसी साल कर लेना चाहिए दालों की खरीद के लिए, तो वो ये कर सकते हैं कि जो किसान अपनी दालों को डिलीवर करते हैं WDRA एक्रेडिटेड गोडाउंस में और इलेक्ट्रॉनिक वेयरहाउसिंग रिसीट उनके पास है, तो उस रसीद को खरीद के सरकार अपना बफर स्टॉक बिल्डअप कर सकती है। अभी गेहूं और धान की खरीद में हम ना जाएं, लेकिन हम कुछ ऑयल सीड, कुछ क्वांटिटी और कुछ पल्सेस की खरीद में इसको जरूर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि जो इसका रेगुलेटर है, वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी सरकार ने बनाई थी 2008 में, उसके 3 मेंबर्स में से अब 1 मेंबर बचे हैं। चेयरमैन उसके रिटायर हो गए जनवरी 18 में, अभी तक कोई चेयरमैन नहीं है, वो चेयरमैन हो गए ICICI बैंक के, दूसरे मेंबर भी रिटायर हो गए 2-3 महीने पहले। तो मेरी सरकार से गुजारिश है कि जिसको भी अपॉइंट करना हो जल्दी से करें, जिससे कि वेयरहाउसिंग के रेगुलेटर अपनी जगह पे बैठे हों। जी, यानी कि बहुत सारा काम यहाँ पर फिलहाल करने की जरूरत है। डायरेक्शन शायद सही है, लेकिन जिस तरह की कंसिस्टेंसी, इन्वेस्टमेंट और इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है, वो शायद अभी हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिली। चलिए सिराज जी, पाशा पटेल जी और अभिषेक, बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए और वो बहुत ही अच्छी एक कॉन्वर्सेशन हमारे दर्शकों के लिए यहाँ पर करने के लिए। इसी के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए CNBC आवाज़।